फिर से स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन अगर हो गया है तो आप कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों चेंज करना चाहते हैं, और जिसका अभी तक फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है वो भी कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों चेंज करना चाहता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, पूरा प्रोसेस बताऊँगा, जिसका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है वो कैसे चेंज कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट और कॉलेज, एंड उसका होगा भी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में उसका चेंज होगा भी, लेकिन जिसका फर्स्ट मेरिट में नाम आ गया है वो इस प्रोसेस से चेंज नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा देर देखें वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां से नहीं, आपको कहीं और से करना होगा, आपको कॉलेज जाके करना होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहां जाके क्या करना होगा जिसका फर्स्ट मेरिट में सिलेक्शन हो गया है। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फिर से मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था 10 अक्टूबर को, तो 10 अक्टूबर से पहले हम लोग 9 अक्टूबर को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो चेक कर रहे थे, तो आप देखिएगा सारा लॉगिन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, पासवर्ड देने के बाद, कैप्चा डालने के बाद, जब हम लोग व्यू मेरिट सिलेक्शन पे जाते थे तो वहां पे सर्वर एरर बताता था, है ना दोस्तों, आपको मालूम होगा, शायद याद होगा। लेकिन हम लोग जब 10 अक्टूबर को करते थे तो वो चीज नहीं बताता था, वो आपका व्यू मेरिट सिलेक्शन में क्लिक करते थे तो आपको बताता था कि आपका जो है इस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है और आपका इस कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ जिसका नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि 9 अक्टूबर को सर्वर एरर बताता था और 10 अक्टूबर को सर्वर एरर नहीं बताता था। जी हाँ दोस्तों, उसमें वे वीडियो से पहले, मतलब शुरू करने से पहले नहीं कहा था, तो आप लोगों का बहुत गंदे कमेंट आ रहे थे कि ये वीडियो फेक है, ये है दिस है डेट है, इसलिए मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप कॉलेज और सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो यहाँ भी सारा प्रोसेस करने के बाद आपका सर्वर एरर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले ही। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे कि वो प्रॉब्लम मात्र 2 से 3 दिन में सॉल्व हो गया था, 7 अक्टूबर से हम लोग चेक करने के लिए शुरू किए थे और 11 और 10 अक्टूबर को जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, उसी तरह यहाँ भी उम्मीद की जा रही है कि आपका प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी मतलब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि आप कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहे। लेकिन लास्ट में आपका सर्वर एरर बताएगा, लेकिन आप लोग कोशिश करते रहिएगा और 1-2 दिन में ये सॉल्व, यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट सिलेक्शन हो गया है वो इस प्रोसेस से नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, और उसको कॉलेज जाके क्या करना होगा जो वहां से वो करेगा। तो सबसे पहले पूर्णिया यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे गूगल पे, सिंपली आपको गूगल पे आ जाना है, वहां सर्च करना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है जैसे कि पहले हम लोग करते थे, और ये वाला साइट .ac.in पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सब स्टेप जानते हैं लेकिन बहुत सारे दोस्त जो होते हैं वो स्टेप नहीं जानते हैं। वो करने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना होगा, एंड देखिए दोस्तों फिर से ये वाला सेक्शन एडमिशन 2020 स्टार वाला जो है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर इसको स्क्रॉल अप करके ये जो पोर्टल वाला सेक्शन है क्लिक हेयर पर पोर्टल, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से उसी तरह एप्लीकेंट लॉगिन इस पर जाना है, ठीक है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करना है, एंड जिसका सिलेक्शन हो गया है मैं पहले उसका आईडी यहाँ पर डाल के देखता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20G00239022 ये वाला बिल्कुल सही है, इसका सिलेक्शन हो चुका है। हम लोग यहाँ पर सिंपली कैप्चा डाल देते हैं, जैसे आपका कैप्चा है 9। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, ये नहीं कि वीडियो को स्किप मतलब कर दीजिएगा, आप जो जानते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं मैं उसके लिए बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दिए, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि लॉगिन हो चुका है, देखिए यहाँ व्यू MD तंजील अख्तर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक होम सेक्शन है, यहाँ व्यू एप्लीकेशन है, मेरिट सिलेक्शन या हेल्प है, इस चारों ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं वो भी बताऊंगा कि क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप इस पर एक भी क्लिक करेंगे तो आपका सर्वर एरर हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है। मैं आपको ये वीडियो बनाने के बाद आखिरी में आपको दिखाऊंगा कि वहां पे क्यों नहीं करना है। तो आपको सिंपली स्क्रॉल अप कर देना है और सबसे नीचे में आना है, ठीक है। तो क्योंकि इसका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर कॉलेज कोर च्वाइस, यहाँ पर आपको जाकर के अपना सब्जेक्ट चेंज करना है, लेकिन इसका क्योंकि सिलेक्शन हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो क्लिक करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। तो इस पर क्लिक किए और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द ऑप्शन, आप जो है अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका सिलेक्शन हो गया है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन हो गया है वो कॉलेज और सब्जेक्ट दोनों चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों एक प्रोसेस से वो सब्जेक्ट भी और कॉलेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे
कॉलेज चेंज करने का कैसे कर सकते हैं, स्लाइड अप के मामले से, ठीक है। स्लाइड अप करके आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट जब आप पार्ट वन का एग्जाम देने के लिए जाइएगा, आप लोगों को मालूम है पार्ट वन का पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन के समय आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो 12 वाले को भी ऑप्शन देता है, 10th वाले को भी देता है, और ग्रेजुएशन में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री तीनों को देता है। इसलिए जब आप एग्जाम देने के जाइएगा पार्ट वन, उस समय आप जिसका जिसका सिलेक्शन हो गया है आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है यानी कि फर्स्ट मेरिट में जिसका नाम नहीं आया है, उसका अब हम लोग करके दिखाएंगे कि वो चेंज कर सकता है कि नहीं। आप लोगों को मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि ये सब पे क्लिक नहीं करना है। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर व्यू मेरिट सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। देखिए इसका सिलेक्शन है या नहीं, पहले हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यू मेरिट सिलेक्शन पे इस पर क्लिक किया, देखिए सर्वर एरर बता दिया, ठीक है। ये जिसका सिलेक्शन हो चुका है तो उसका सर्वर एरर बता देगा, इसलिए मैं आपको बोला था कि वहाँ से आपको जो है लॉगिन नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उसका दिखाते हैं कि कॉलेज और सब्जेक्ट चेंज होता है या नहीं। उसका तो चेंज होगा, लेकिन इसी तरह का सर्वर एरर बताएगा, लेकिन मैं आपको पूरा चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं। अब जिसका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे नहीं आया है, वो कॉलेज और सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, 100% फुल प्रोसेस आपको करके दिखाऊंगा। फिर से आपको गूगल पे आ जाना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी सर्च करना है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद उसी तरह से आपको वही act.in वाला साइट पे जाना है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है। फिर आपको एडमिशन 2020 ड्यू वाला सेक्शन पे जाना है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड एक क्लिक हेयर फॉर एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से उसी तरह लॉगिन करना है जो भी आपका आईडी है। एंड दोस्तों आप, मैं वो वाला दे रहा हूँ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, 20G। आप देखिए एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मानते हैं आप जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिसको अभी तक तो कुछ भी नहीं पता है सब के बारे में, इसलिए मैं एक एक स्टेप बताता हूँ। 20G00 मैं ये करने के बाद आप पासवर्ड क्लिक करता हूँ। पासवर्ड देखिए क्या है, पासवर्ड तो बताया नहीं जाएगा आप लोगों को। कैप्चा पुट कर देता हूँ उसके बाद 5TUAE, ठीक है। ये करने के बाद फिर हम लोग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। देखिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका, देखिए ये बच्चे तारिक अनवर नाम है, यहाँ पर अपना नाम देख सकते हैं एंड यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। तो तारिक अनवर नाम है, इसका जो है सिलेक्शन नहीं हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग पहले देखते हैं इसका कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन आता है या नहीं, उसके बाद फिर मैं आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा। तो आपको देखिए कॉलेज और सब्जेक्ट फिर से उसी सेक्शन पर जाना है, इस वाला ऑप्शन पर, ठीक है। इस ऑप्शन पर जाके क्लिक करना है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ देखिए आप जो है अपना सब्जेक्ट और कोर्स दोनों चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर जनरल सब्जेक्ट रखना है तो यहाँ से आप जनरल भी ऑप्शन चुन सकते हैं, ऑनर्स रखना है तो ऑनर्स चुन सकते हैं। फिर आपको डिग्री में अगर BA ऑनर्स, जो भी सब्जेक्ट आपको चेंज करना है, जैसे BA ऑनर्स अरबिक, बंगाली, भोजपुरी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपको ऑनर्स रखना है, या फिर अगर जनरल में जाना है तो जनरल भी रख सकते हैं। आपको अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो आप इसमें से जो भी सब्जेक्ट रखना चाहते हैं सारा ऑप्शन उसी तरह आपको देगा, ठीक है, एक भी अलग नहीं। तो मान लेते हैं इसका हम BA उर्दू ऑनर्स रखते हैं, ठीक है, उर्दू ऑनर्स कर दिए, सब्जेक्ट आपका उर्दू ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको कॉलेज चुनना है, पहले तो सब्जेक्ट चेंज हो गया आपका, अब आपको कॉलेज चुनना है, तो फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। पहले जैसे हम लोग भर रहे थे, याद होगा आपको, मान लेते हैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ही हमको लेना है। अब पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आपको कौन सा कॉलेज लेना है, पहले देखिए दोस्तों ये 5 कॉलेज लिया था, आप जैसे कि देख सकते हैं पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया फर्स्ट में, सेकंड में SNSY, MLR या RKK, PS कॉलेज पूर्णिया। लेकिन मान लेते हैं अब हमको अलग लेना है, तो आपको फिर से यहाँ कॉलेज का सेक्शन पे जाना है एंड यहाँ आपको मान लेते हैं MLR या कॉलेज सबसे फर्स्ट में लेना है, फिर जो ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट में जाना है, मतलब डिस्ट्रिक्ट में तो अगर पूर्णिया में ही आप लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको कॉलेज दूसरा चुनना है, ND कॉलेज चुन लेते हैं, फिर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। तो यू कैन नॉट ऐड मोर देन वन कोर सब्जेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है 5 कॉलेज और चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 5 कॉलेज नहीं चेंज कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही, यू कैन नॉट ऐड मोर देन वन कोर्सेस सब्जेक्ट। आप जो है एक, मतलब सब्जेक्ट या फिर स्कूल ई कॉलेज से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्या 5 सिलेक्शन करते थे, लेकिन अब आपका 5 कॉलेज सिलेक्शन नहीं होगा, एक ही कॉलेज सिलेक्शन होगा जिसमें आप करना चाहते हैं। वो करने के बाद सिंपली आपको देखिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों इसी पर हम लोग जब क्लिक करते हैं तो देखिए आपका क्या आता है, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन। जैसे हम लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक करते थे, आपको मैंने पहले ही बताया था वीडियो शुरू करने से पहले कि जैसे हम लोग वो चेक करते थे, उसी तरह यहाँ भी आपका जो है सर्वर एरर इन एप्लीकेशन बताएगा,
जी हाँ दोस्तों, लेकिन चेंज करने का जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका चेंज करने का इसी तरह का ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है दोस्तों ये मतलब ये प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है दोस्तों, आप जो है इसी तरह से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आ जाएगा मैं वो उसका भी वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका तो नहीं हुआ जैसे कि आप लोग देख पाए, अब बैक करेंगे तो बैक भी नहीं होगा क्योंकि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का साइट दुनिया का सबसे घटिया साइट है। ठीक है, फिर चलिए दोबारा हम लोग जाते हैं, दोबारा जाके मैं आपको देखिए क्या दिखाता हूँ। एडमिशन 2020 पे गया, क्लिक हियर फॉर एडमिशन पे गया, एंड देखिए आप, अब आपको मैं वो बता रहा था कि इसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं, देखिए वहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, व्यू मेरिट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसका सिलेक्शन भी आपको नहीं दिखाएगा कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो दोस्तों वही प्रोसेस है, आपको सेम जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका यही प्रोसेस है जो मैं वीडियो में बताया, और जिसका सिलेक्शन हो चुका है उसका प्रोसेस भी मैं बताया। आपको कॉलेज जाना होगा, वहाँ जाकर के एक कॉलेज अगर चेंज करना है तो स्लाइड अप वाला ऑप्शन है, और आपको अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो पार्ट वन का जब एग्जाम दीजिएगा उस समय आपका चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, अगर आखिरी तक देखे हैं तो। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ताकि कम से कम उसको टेंशन और बेनिफिट दोनों मतलब छुटकारा मिल जाए और बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं नया वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।